श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2022 को होलिका दहन है, साथ ही में व्रत की पूर्णिमा भी है, साथ ही में एक दिन बाद जो है हमारी होली है, रंगों का त्यौहार है। दोस्तों 17 मार्च 2022 को व्रत की पूर्णिमा भी है और होलिका दहन भी है, तो काफ़ी अच्छा समय है। तो उस दिन जो है जो लोग भी व्रत की पूर्णिमा करते हैं, मतलब पूर्णिमा का व्रत करते हैं, वो तो एक जगह पर सही है, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन जो है सभी लोगों के घर में, चाहे वो व्रत रखते हों या ना रखते हों, उनके घर में दूध से बनी हुई सामग्री अवश्य बननी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी जी की कभी कमी नहीं होती, आपके घर में हर चीज़ आती जाती रहती है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन जो है आपको जो है क्या करना है, अपने घर में दूध से बनी हुई कोई सामग्री अवश्य बनानी है, जैसे कि खीर हो गई, ठीक है, और उसे भगवान को भोग लगाने के बाद अपने घर में सभी लोगों को उसे ज़रूर देना है। ये एक उपाय कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, पर ये बहुत ही कारगर होता है, ऐसा करना अवश्य चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं, अब से ये वीडियो माताओं बहनों के लिए है, जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या उनका जो दिमाग है वो सही जगह पर नहीं लग पा रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो उसकी जगह पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, उसे याद नहीं रहता पढ़ा हुआ, वो अच्छी रैंक लाना चाहता है, तो उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यह जो काम है ये पूर्णिमा के व्रत के दिन ही करना है, और जब चांद निकल जाए तब करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए, उसी दिन जो है किसी भी डेयरी पर जाना है, और जो गाय होती है ना, देसी गाय, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देसी गाय के जो आगे के जो दो थन होते हैं, गाय के पूरे चार थन होते हैं, तो आगे की साइड के जो दो थन होंगे उसका आपको दूध निकलवा कर लाना है, ठीक है। कितना लाना है, 250 ग्राम, थोड़ा सा लाना है, बस आपको अपने बच्चे को उतना पिलाना है, ठीक है। 250 ग्राम आप दूध ले आइए, किसी भी डेयरी पर जाकर पैकेट वगैरह का मत लाइएगा, ठीक है, देसी गाय का होना चाहिए, ऐसी कोई गाय का नहीं होना चाहिए, देसी गाय के दो थन होते हैं, उसका दूध निकलवा कर आप ले आइए, ठीक है। लाने के बाद अपना जो है शाम के समय, मतलब जब चांद निकल जाए, रात हो जाए, चांद निकल जाए, उसके बाद आपको उस दूध से कोई सामग्री बनानी है, या तो कुछ ना बनाएं तो आप उस दूध को क्या करें, उस दूध के अंदर शक्कर या गुड़ डाल दें और उसे मिला लें, ठीक है। मिलाने के बाद अब जब चंद्रदेव के आपको दर्शन हो जाएं, तो चंद्रदेव के सामने, मतलब बाहर खड़े होकर चंद्रदेव के साक्षी मानकर चंद्रदेव के सामने खड़े होकर आपको उस बच्चे को इस दूध को पिला देना है जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, ठीक है, जिसकी बुद्धि कमज़ोर हो, जिसको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता हो, और कोई भी समस्या हो, दिमाग से जुड़ी हुई, बच्चा बिगड़ रहा हो, गलत संगति में जा रहा हो, तो उस बच्चे को आप इस दूध को पिला दीजिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको सिर्फ एक बार ही करना है, किसी भी पूर्णिमा को आप इस उपाय को कर सकते हैं, एक बार करके देख लीजिएगा, आपको फल अवश्य ही देखने को मिल जाएगा, आपको पहले उपाय से ही आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, जिसका विवेक कमज़ोर हो, जिसको बुद्धि कमज़ोर हो, उसको कुछ याद नहीं रहता हो, सबके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, बस दिमाग से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वह सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। बस चंद्रदेव के साक्षी में, चंद्रदेव के सामने ही खड़े होकर आपको उस दूध को पिलाना है, उस दूध में शक्कर या गुड़ अवश्य डाल लीजिएगा, या उसकी कोई सामग्री बना लीजिएगा, और चंद्रदेव के सामने आपको उस बच्चे को यह चीज पिला देनी है, ठीक है, या खिला देनी है, ठीक है। बस आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जो विवेक है, बुद्धि है, वो विकास होना शुरू हो जाएगा। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले भवः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।